सलमान खान की फिल्म राधे में क्या दिशा पाटनी जैकी श्रॉफ की बहन बनी है? क्या सलमान खान रोजाना वेतन पाने वाले सीनियर वर्कर की मदद कर रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं गरिमा सिंह, आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। दिशा पाटनी इस समय जिस फिल्म को लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड है वो है सलमान खान की फिल्म राधे। एमएस धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, बागी 2, मलंग और भारत जैसी फिल्मों में सफलता हासिल करने के बाद दिशा पाटनी एक उभरती हुई एक्ट्रेस के रूप में नजर आई हैं और अब वो सलमान खान की हीरोइन बनने जा रही हैं। इस फिल्म में जैकी श्रॉफ भी नजर आएंगे और खास बात है कि जैकी श्रॉफ की बहन का रोल निभा रही है दिशा पाटनी। जी हाँ, वहीं दिशा पाटनी का कहना है कि जैकी श्रॉफ और उनके बेटे टाइगर श्रॉफ का स्वभाव बिल्कुल अलग है। जी हाँ, जैकी श्रॉफ में उनको काफी स्वैग नजर आता है, उनका चीजों को देखने का तरीका काफी अलग है। दिशा का मानना है कि शायद ये उम्र का भी फर्क हो सकता है, लेकिन जैकी श्रॉफ की जगह कोई नहीं ले सकता, ये दिशा का कहना है। तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जैकी की बहन का रोल कैसे निभा सकती है दिशा। अब दोस्तों, ये फिल्म है, इसमें कुछ भी हो सकता है, बहन माँ का भी रोल निभा सकती है, बहन तो दूर की बात है। वहीं आजकल एक और सवाल खड़ा हुआ है सलमान खान पर कि जो रोजाना वेतन पाने वाले वर्कर्स हैं, सीनियर वर्कर्स हैं, जो वेजेस पर रोजाना अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, उनकी मदद सलमान खान क्यों नहीं कर रहे हैं। दरअसल सलमान खान मदद कर रहे हैं, सिर्फ वो अपना नाम रिवील नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब उनका नाम रिवील हो चुका है। जी हाँ, सलमान खान ने कई एसोसिएशन से बात की है और उन्हें कहा है कि सीनियर वर्कर की यथासंभव मदद की जाए, कैलकुलेशन ना करें, जितनी जरूरत की चीजें हैं उनको उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही सलमान खान ने कहा कि खाना और जरूरत का सामान सभी को उपलब्ध कराएं, जो भी खर्च आएगा वो सलमान खान उठाएंगे। वैसे ये पहली बार नहीं है, सलमान खान हमेशा इन चीजों में आगे रहे हैं। इनफैक्ट उनकी ह्यूमन बीइंग संस्था भी इन मामलों में कई लोगों की मदद ऑलरेडी करती है, तो इसमें कोई शक नहीं कि किसी की भी मदद करने का सवाल हो तो सलमान खान हमेशा आगे रहते हैं। वो कभी भी किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटते, उनसे जैसे भी जिस भी तरह से मदद की जा सकती है वो हमेशा करते हैं। तो दूसरी ओर इस लॉकडाउन की वजह से फिल्मों की शूटिंग भी रुकी हुई है। इनफैक्ट कुछ फिल्में रिलीज होनी थी जिनकी डेट्स भी शेड्यूल्ड थी, लेकिन वो फिल्में भी रिलीज नहीं हो पाएंगी क्योंकि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में कहर बरसा रखा है। अब इन दिनों सभी लोग सिर्फ इसका तोड़ निकालने की खोज कर रहे हैं कि किसी तरह से इसकी वैक्सीन बनाई जाए, इसे खत्म किया जाए। खैर दोस्तों, अब तो सब भगवान भरोसे है, क्या होता है देखा जाएगा। लेकिन आप कितना एक्साइटेड है सलमान खान की फिल्म राधे को लेकर? वैसे तो ये ईद पर रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब तो कोई चांसेस ही नहीं है कि ये फिल्म ईद पर रिलीज हो पाएगी क्योंकि लॉकडाउन पता नहीं कब तक चलेगा, शायद जून तक भी जा सकता है। वेल, आपको क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस लॉकडाउन के बारे में अगर आपके कोई विचार हैं तो नीचे शेयर कर सकते हैं। वायरस के बारे में अगर कुछ पूछना है आपको तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज़।